हेलो एवरीवन, अगर आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं, एक ईयरबड्स तो आपका काम कर रहा है, जैसे कि एक भी ईयरबड्स लगा रहे हैं, जैसे कि वो लेफ्ट वाला भी हो सकता है या राइट वाला भी हो सकता है, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए एक लगा रहे हैं, ये काम कर रहा है, मगर ये मैं लगा रहा हूँ तो ये मेरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक लाइट भी शो होता है, वो भी लाइट भी नहीं शो हो रहा है। तो वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपका एक ईयरबड्स वर्क नहीं कर रहा है तो वो कैसे करेगा और वो कैसे ठीक करे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं वीडियो में बताऊँगा कि कैसे अगर आपका कोई एक ईयरबड्स वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बोट का ईयरबड्स को ऑर्डर किया था। ठीक है, तो इसका एक तरफ का जो ईयरबड है ये वाला, ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको डाल रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ये ना देखिए, यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ तो ये देखिए, ये बंद करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो देख सकते हैं एक ईयरबड्स मेरा बोट का है, जो ये यहाँ पे एक चार्ज ले रहा है। ठीक है, एक चार्जिंग नहीं ले रहा, मतलब कि एक चार्ज ही नहीं हो रहा ना, मतलब कि सही हो रहा है ना, आवाज़ आ रही है ना कुछ भी, ये वर्क ही नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए एक लाइट भी जलती है, ये लाइट भी नहीं जल रही है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको मान लीजिए कि अगर ये आपका यूज़ नहीं हो रहा है, एक सही काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा है, तो दो ट्रिक है, दोनों ट्रिक आप कीजिएगा तो 100% है कि आपका ईयरबड्स काम करने लगेगा। अगर एक काम नहीं कर रहा है तो कैसे काम करेगा, तो पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना ईयरबड्स निकाल लेना है। इसको मैं बॉक्स को साइड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए बटन दिख रहा होगा, कोई ईयरबड्स को आपको रिसेट करना है तो यहाँ पे पीछे में देखिए बटन दिख रहा होगा, ये बटन को आपको एक साथ दोनों को दबाना होगा। ठीक है, एक साथ दोनों को दबाना है, एक साथ मैं दोनों को दबा रहा हूँ, देखिए 10 सेकंड तक। ठीक है, तो इससे आवाज़ भी आएगी, ये रिसेट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, 10 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करना है, 10 सेकंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा, फिर से 10 सेकंड तक आप इसको प्रेस करते रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब 10 सेकंड हो जाएगा पूरा, तो आप इसको वापस से बॉक्स में रख दीजिएगा। बॉक्स में रखने के बाद क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटन दिख रहा है, फिर से इसको यहाँ पे फिर 10 सेकंड तक आप रिप्रेस, फिर 10 सेकंड तक बॉक्स में रखने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, दबाए रहना है इसके बटन को, एक साथ दोनों को दबाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से रिसेट हो चुका है। अब यहाँ पे बस इसको बॉक्स को फिर वापस से निकालना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइट जलने लगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अब लाइट जलने लगा है और यहाँ पे ये वर्क भी करने लगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने ईयरबड्स को सही कर सकते हैं और ईयरबड्स दोनों को, मतलब मान लीजिए लेफ्ट वाला ख़राब है तो लेफ्ट वाले को, और राइट वाला ख़राब है तो राइट वाले को सही कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आप अपना ईयरबड्स को सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।